हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोग के लिए ये मेकअप लुक लेके आई हूँ, विच इज कॉलेज गोइंग गर्ल्स मेकअप लुक। कॉलेज जाती हैं लड़कियां, उनके लिए ये बहुत अच्छा, बहुत इजीली मेकअप लुक है। सो अगर आप इस मेकअप लुक को क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप इस मेकअप लुक को इंटरेस्टेड हो देखने में, तो सो कीप वॉचिंग गाइज। विदाउट अ फर्दर डू, लेट गेट स्टार्टेड। और गाइज, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज, मैंने यहाँ पे अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, टोनिंग वगैरह हर चीज कर लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आप मॉइस्चराइजर या फिर जो भी आप स्किन केयर में प्रोडक्ट यूज करते हो, आप वो अच्छे से अप्लाई कर लो अपने फेस पे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। सो गाइज, यहाँ पे हम पहले कोई बेबी क्रीम या फिर कोई आप ऐसे कंसीलर का स्टिक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कॉलेज गोइंग मेकअप है। तो या फिर आप बेबी क्रीम या फिर ऐसा कुछ कंसीलर स्टिक्स या फिर ऐसे कुछ यूज कर सकते हो। गाइज, मैंने यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी का बेबी क्रीम मैं यूज करूंगी। इसमें मेरा शेड है गाइज 02। सो गाइज, पहले आपने अपने फिंगर से ही स्प्रेड कर लेना है अपने फेस पे। गाइज, आपको अब एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसे वेट कर लेना है, या फिर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं करेगा आपके बेबी क्रीम या फाउंडेशन को। तो मेक श्योर आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को यूज करने से पहले हम हल्का सबसे वेट कर लें। तो अब मैं गाइज इसे ब्लेंड करूंगी। आप गाइज अपने नेक और ईयर को मत भूला करो, क्योंकि या फिर वो आपके फेस से बहुत डिफरेंट दिखने लगता है। तो मेक श्योर आप अपने नेक और ईयर को भी कवर करो। गाइज, यहाँ पे मेरे पास ये दो एक तो लिक्विड स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर है, एक है NYB की फाउंडेशन स्टिक। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी शेड 05 मीडियम मोइन। मेरे इतने डार्क सर्कल्स नहीं है गाइज, तो मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट ये यूज करूंगी। ब्लेंड कर लेंगे। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कंसीलर भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कॉम्पैक्ट, यहाँ पे मैं वेला वॉस्ट का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ इन दी शेड C002 आइवरी टच। मैं इसी के स्पॉन्ज या फिर पैड इसी से अप्लाई करूंगी। आपको अपने बेस को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज, जिसकी ऑयली स्किन है उसे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि या फिर आपका अंडर आई और ये सब बहुत ही ऑयली दिखने लगता है। सो गाइज, अब यहाँ पे हम कोई आई शेडो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑब्वियसली कॉलेज गोइंग मेकअप लुक है। तो यहाँ पे हम आई लाइनर यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो हल्का सा पिंकिश आई शेडो आप बहुत हल्का से यूज कर सकते हो अपने आईलेट पे, बट यहाँ मैं नहीं यूज कर रही हूँ। अगर आप चाहो या फिर आपके पास कोई लिपस्टिक है, पिंक लिपस्टिक है, तो आप उससे भी हल्का सा अप्लाई कर सकते हो। पर यहाँ पे गाइज मैं कोई आई शेडो अप्लाई नहीं कर रही, तो सीधे मैं आई लाइनर अप्लाई करूँगी। बाय द वे गाइज, हेयर आई एम यूजिंग ब्लू हेवन का वॉक फ्री आई लाइनर। इसकी टिप बहुत अच्छी है, तो अप्लाई बहुत ईजिली हो जाता है। मैंने यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई कर ली। अब मैं गाइज यहाँ पे मस्कारा अप्लाई करूँगी, विच इज मारियो का मस्कारा है, ये मारियो चार्मिंग वाटरप्रूफ मस्कारा। इसे
अगर गाइज आपके पास ब्लश नहीं है तो आप इसे एज अ कोई बुलेट लिपस्टिक भी अप्लाई करते हो या फिर कोई आपके पास लिक्विड लिपस्टिक रहेगी वो भी चल जाएगी। हल्की पिंक या फिर आप कोई रेड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे हल्का सा अप्लाई करूँगी। इसे मैं फिंगर के हैंड से ब्लेंड कर दूँगी। आपने इसे भी गाइस डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है या फिर ब्लश भी हो गया। अब गाइस हम हल्का सा बहुत ही हल्का सा हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हैरी रोडा का पैलेट है, उसमें ये हाइलाइटर दिया हुआ है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। फिंगर के हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। आप अपने अपने जहाँ हाईलाइट करना चाहते हो गाइस आप वहाँ वहाँ हाईलाइटर लगा सकते हो, लाइक ब्रिज ऑफ द नोज, चेक्स, क्यूपिड्स बो, फोरहेड। गाइज अब हम मूव ऑन करते हैं अपने आईब्रो की तरफ। आईब्रो बहुत ही मैं हल्का सा फिल करूँगी क्योंकि ये कॉलेज गोइंग गर्ल मेकअप है। यहाँ पे मैं इसी पैलेट्स में से ये टू ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके मैं अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज अब बस बचा लिपस्टिक। अगर आप चाहो तो आपके पास कोई टिंटेड लिप बाम है तो वो भी लगा सकते हो, या फिर आप हल्का सा कोई लिप बाम लगा के मैंने अभी यहाँ वैसे पहले से ही अप्लाई किया हुआ था, तो मैं बस हल्का सा ये रेड कलर का लिपस्टिक अपने फिंगर पे लेके बहुत ही हल्का सा अप्लाई करूँगी। गाइज हियर इज माई मेकअप इज कम्प्लीट। अगर आपको ये मेकअप लुक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर कोई कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं तो ईजिली ये मेकअप लुक को क्रिएट कर सकती हैं। सो गाइज मेरे चैनल को भी शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरा फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियोज़ ईजिली देख सको। तो गाइज अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना।